हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आज हमने केक बनाया है और ये केक हमारा बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनता है। और इसमें हम किसी ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत का यूज़ नहीं किया हूँ। और ये केक को मैंने कोई माइक्रो ओवन या फिर ओवन पे नहीं बनाया है, मैंने आज इसे गैस पे, यानी कि मैंने फ्राई पैन पे बनाया है। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन है, आपको मैं क्या बताऊँ। इसे आप बनाइए और खाइएगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। पर ये काफ़ी सॉफ्ट भी है और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसे बहुत ही ईजी वे में बनाया है, मैं आपको हल्का सा काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ ही रहा होगा फुल, और ये काफ़ी टेस्टी है और इसे बनाना बहुत इजी है। और इस केक को ब्लैक एंड वाइट केक बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम मिलके केक बनाते हैं, जो कि सिंपल और बहुत ही इजी वे में बनेगा। तो दोस्तों, आज बनाते हैं हम केक। तो दोस्तों, जो हमारा गैस का जो केक है, उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। और हमारे पास ये देखिए 10 ग्राम बेकिंग सोडा रहेगा और नारियल का खोपड़ा, जिसे बोलते हैं, मींस बुरादा, नारियल का बुरादा सूखी हुई है। और हमने यहाँ एक अंडे ले लिए हैं और हमारे पास क्रीम है दूध वाला, जो कि हम अभी ये जो कि 400 ग्राम है। तो ये हमारा क्रीम हो गया लिक्विड में। और ये अभी हम एक और हमारे पास क्रीम है, जो कि हमारा केक के ऊपर रहेगा, जो कि ये भी हमारा 400 ग्राम के आसपास ही है। और हमारे पास यहाँ मैदा है, जो कि 450 ग्राम है। और स्मिताना, जो कि क्रीम है सूखा हुआ, जो कि हम यूज करेंगे 700 ग्राम। और हमारे पास यहाँ चीनी का बुरादा है। तो आइए आज हम केक जो बनाएंगे, वो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो हमारा क्रीम है, उसे क्रीम को हम बर्तन में रख लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें बेकिंग सोडा, जो हमारा है बेकिंग सोडा, और एक अंडा इसमें हम फोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको मिक्स करेंगे, फिर हम आपको आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने अंडे को इसमें फोड़ लिया है और इसे अब हम मिक्स करेंगे। और जो हमारा बेकिंग पाउडर है, उसे हम जो हमारा मैदा है उसमें भी आप मिला सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसमें मिला सकते हैं अंडे के साथ। तो बेटर रहेगा कि आप मैदा के साथ मिला लें। तो आइए हम इसे मैदा के साथ मिलाएंगे, अभी फिलहाल तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने अंडे को इसमें हमारा जो क्रीम था उसमें मिक्स कर लिए हूँ। तो आइए अब हम डो बनाते हैं। तो डो के लिए जो हमारे पास मैदा था 450 ग्राम, उसे हम इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं और डो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने डो रेडी कर लिया है और इस तरह से हमने डो डिवाइड कर लिया है। तो आइए इसके भी हम सात आठ हमारे लोई काट लेंगे, और छोटे छोटे, ताकि हमारा ये इसे हम 7 से 8 टुकड़े में काट लेते हैं, ताकि हम इसे रोटी की तरह बेल लें। तो आइए सबसे पहले तो इसे हम काट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने इसे 8 टुकड़े में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे बेलन के सहायता से हम इसे बेलेंगे। तो आइए इसे हम आज हम गैस पे बनाएंगे, मींस जो हमारा फ्राई पैन है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाकर छोटा छोटा ही साइज बनाएंगे रोटी की तरह, ताकि हमारा जो फ्राई पैन में आ जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने जो हमारा डो था उसे छोटे करके हमने इस तरह से इसे बेल लिया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं इसे ओवन में ना बना के गैस पे बनाऊंगा, मींस फ्राई पैन पे बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा ढांचा फ्राई पैन का नहीं है, तो आप जो भी साइज़ का फ्राई पैन है उसे आप इसे काट लीजिए। तो मेरा छोटा साइज का है, तो मैं इस साइज़ का ही हमारा बस फ्राई पैन है, तो मैं इसे गोल साइज से काट लूँगा कुछ इस तरह से। तो मैंने ऑलरेडी एक काट रखा है, तो इस तरह से मैं इसे काट लूँगा। और इसी तरह से सभी को बेल कर काट कर हम इसे हम फ्राई पैन पे
सेकेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन को गर्म करके मैंने एक इस तरह से रख लिया है और इसे मैं बिना तेल का ही इसे इस मीन्स बिना तेल का ही सेकूंगा। तो मैंने यहाँ कुछ सेक भी लिया है, ये देखिए हमने इस तरह से रोटी की तरह सेक लेनी है। तो मैंने पहला या दूसरा सेक लिया हूँ जो कि बिना तेल का है, मैंने किसी तरह का तेल नहीं डाला है और मेरा जो फ्राई पैन है वो नॉन स्टिक है। तो आप भी नॉन स्टिक यूज़ करें ताकि ना सटे। तो आइए इसी तरह से हमारा जितना भी रोटियां हैं हम इस तरह से बेलेंगे और सेकेंगे। तो दोस्तों इसे पलटते समय बहुत ध्यान से पलटिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है एक साइड से, मतलब पक चुका है। इसे पलटने में हल्की सी तकलीफ होगी अगर नॉन स्टिक बर्तन नहीं रहेगी तो आप फ्राई पैन नॉन स्टिक ही यूज कीजिए ताकि पलटने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए इस तरह से हम सारे पहले तो हमारा जितनी भी रोटियां हैं हम पहले तो बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से इसे बेल लिया है और सेक लिया है जो कि हमारा हमने 8 टुकड़े में डिवाइड किया था, फिर उसके बाद जो कटिंग करने के बाद जो हमारा बचा उससे हमारा 12 बन चुका है, मीन्स 12 रोटी बन चुके हैं और हमारा रोटी का मोटाई भी कुछ अच्छा खासा है। तो आइए इसे हम हवा में छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ठंडी होने के बाद हम इस पर क्रीम का फिलिंग करेंगे, मीन्स क्रीम का कोटेड करेंगे, क्रीम उसके ऊपर हम चढ़ाएंगे। अगर हम अभी गर्म में ही चढ़ा देते हैं तो क्रीम पानी छोड़ देगा और केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से इसे सुखा लिया है, मीन्स रेडी हो चुका है हमारा जो केक के लिए ब्रेड है, काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो आइए अब हम क्रीम बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए जो हमने पहले आपको दिखा रखा था जो हमारा क्रीम था, तो ये एक्चुअली गुसुम का मलाको बोलते हैं जो कि रशियन में है, बट ये क्रीम है दूध का और ये हमारा स्मिताना। तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। हम पहले तो इसमें एक बड़ा से बर्तन में रख लेंगे और जो मिक्सर है मिक्सर के थ्रू हम इसे मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें हल्की सी चीनी भी यूज़ करेंगे जो कि हमारा आई थिंक 15 ग्राम के आसपास चीनी भी रहेगा, तो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि जो हमारा क्रीम है वो ऑलरेडी चीनी से भरा पूरा है, इसलिए ऑलरेडी हमें चीनी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं एक बड़े से बर्तन में। तो दोस्तों ये देखिए हमने स्मिताना ले लिया है और मिक्सर से हम इसे पहले तो मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से क्रीम को मिक्स कर लिया, मीन्स स्मिताना को, और हल्की सी मेरा जो 15 ग्राम चीनी था उसे भी डाल दिया है। तो आइए अब जो गुसुम की मलाको है मीन्स क्रीम मिल्क है उसे भी हम 3-4 राउंड तक डालेंगे हल्के हल्के करके। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें हमारा क्रीम है जो रेडी हो चुका है। तो आइए हम हर एक, अब तो ये रोटी या कह लीजिए या बिस्किट कह लीजिए, जो हमारा केक का बिस्किट है वो रेडी हो चुका है। तो आइए इसके ऊपर हम चम्मच की सहायता से एक प्लेट आप ले लीजिए इस तरह से जो साइड साइड से हो, जो कि लिक्विड बह ना जाए, वो आपका लिक्विड कवर कर लें, निकले ना, क्योंकि हम अब इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसे फुल क्रीम कर लेंगे, पूरे साइड साइड से कवर अप कर लेंगे और फिर जैसे हम बिरयानी का लेयर करते हैं वैसे हम जो हमारा केक है केक का लेयर करेंगे इस तरह से ही सभी के साइड लगा लेते हैं, फिर हम आपको लगाकर दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इस तरह से हम इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे और जैसा कि देख रहे हैं कि मुझे क्रीम लगाने में हल्की सी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो हमारा ब्रेड है केक का वो घूम रहा है, तो हम इसे उठा लेते हैं और जो हमारा प्लेट की सरफेस है उसके ऊपर हम हल्का सा पहले क्रीम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोटेड करेंगे क्योंकि आई थिंक जो हम क्रीम लगा रहे हैं उसके कारण से चिकना है तो वो घूम रहा है हमारा ब्रेड, आई थिंक अब हमारा नहीं घूमना चाहिए। तो इस तरह से हम रख लेते हैं ताकि हमारा नीचे का लेयर भी लगेगा और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हम सभी को लगा लेते हैं। तो आइए सभी के ऊपर हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे और अब ये मैं सेकेंड को भी इस तरह से रखूँगा और फिर उसके बाद हम इस पर आप अपने क्रीम के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं,
और अगर आप चीनी पसंद करते हैं ज़्यादा, आप इसे ज़्यादा मीठा पसंद करेंगे आप, तो आप क्रीम बनाते समय आप इसमें कोई सा भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और आप क्रीम बनाते समय चीनी डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप चीनी ना डालें, आप चाहे तो कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह से सभी को हम लेआउट कर लेते हैं दोस्तों, हम इसके ऊपर फिलिंग कर लेते हैं। तो आइए सब पे ऊपर हम क्रीम चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरह से कवर कर लिया है क्रीम से, और ये देखिए साइड साइड से भी हमारा देखिए क्रीम पूरा अच्छा से कवर हो चुका है। तो इसे हम, और आप चाहें तो डेकोरेट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी रखिए। मैं इसमें जो हमारा नारियल का खोपड़ा है, जिसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं कई लोग, सूखी हुई है, और हम किशमिश के इसे डेकोरेट करते हैं, और ये आपके ऊपर है कि किस चीज़ से आप करना चाहेंगे। तो आइए इसे भी हम डेकोरेट कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे किशमिश से इस तरह से हमने कोटेड किया है, आप जो जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। और अब इसके ऊपर हम नारियल का खोपड़ा भी हम डाल लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने नारियल का खोपड़ा का बुरादा भी इसके ऊपर हमने इस तरह से छिड़क रखा है, और इधर साइड से भी हमने छिड़क लिया है। और ये देखिए हमारा जो केक है हमारा रेडी हो चुका है, और ये वाइट एंड ब्लैक हमारा केक रेडी हो चुका है, और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन बनता है दोस्तों। और मैं अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि इसे अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे अब हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा जितना भी क्रीम है अंदर तक सोख ले, और फिर उसके बाद जो बेहतरीन इसका टेस्ट होगा वो देखने लायक है। अभी तो फिलहाल इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम डीप फ्रीज में, सॉरी डीप फ्रीज बोल रहा हूँ, फ्रीजर में रख लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद, ताकि हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने 6 घंटे रख दिया था फ्रीज में, और ये काफ़ी अच्छा जम के हमारा केक जो कि वाइट ब्लैक केक है बन के रेडी हो चुका है। और ये गैस पे हमने बनाया है, जैसा कि आपको दिखा रखा था, कोई ओवन का यूज़ नहीं किया है। तो और इसे मैंने फ्राई पैन पे बनाया है दोस्तों। तो देखिए कितना लजवाब बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारा। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाइए, और बना के मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।